बोलो सच्चे दरबार की जय, बोल सियापत रामचंद्र की जय। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहें सगुन मंगल सुबद, करहें अपुचराज गान, सियापत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। तो सेवा है सांभोगन कर सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि चाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी के सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। तो सस ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीने अप बीते भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहु चढ़े बाजहिं बाजा, देखे सिवाहे सोर त्रिय मुस्काही, वर लायक दुल्हिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। तो विष्णु विरांचे आदे सुर व्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, सुर समाज सब बाते अनुपा, नहीं बरात दूलह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बरात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बरात नहीं थी। तो विष्णु कहा अस बेहस, तब बोल सकल दिस राज, रामा बोल सकल दिस राज, बिलग बिलग हो चलो सबो निज निज सहित समाज, सियावत राम चंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो।
वर अनुहारे बरात नवाई हसी करे हहुं पर पुर जाई। विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने निज निज सेन सहित विलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बरात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन माहे सुमो सुकाही हरि के व्यंग्य वचन नहीं आई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भ्रंगे प्रेरे सकल गन तेरे। तो महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल्लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने इन गणों को बुलवा लिया। तो सेवे अनुशासन सोने सब आए प्रभु पद जल जसी सतिन लाए। नाना वाहन नाना वेशा वेह के से वे समाज निज देखा। तो शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए तो उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौम कही न बेपोल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद वाहू। बेपोल नयन को नयन विहीना रिष्ट पोष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावर को अपावन गति धरे भूषण कराल कृपाल कर सब सद्य सोनित तन वरे। खर स्वान सुअर काल मुख गन वेश अगणित को गने बहुजनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं बने। तो कोई बहुत दौला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और स्यार कैसे उनके मुख हैं, गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। तो नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विदे। तो भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो जैसा दुल्हू तैसे बनी बराता
कौतुक विविधि होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचूं बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बगाना। तो जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो सैल सकल जहां लगे जग माही, लघु विशाल नहीं वरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूं नेवत पटावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नौता भेजा। तो काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तो हे नाचल गे हा, गाव हे मंगल सहित सने हा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। तो प्रथम आए घेरे बहु ग्रह सवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोके सुहाई, लागे लघु विरंचन पुनाई। तो हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। तला गुलाग विद की निपुणता अवलोक, पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पता का केतु ग्रह ग्रह सोही, वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मोने मन मोही। तो नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। तो जगदम्बा जय अवतरी, जो पुर वरन के जाए रामा, जो पुर वरन के जाए। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुखो नित नूतन अधिकाय, सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। तो नगर निकट बरात सोने आई, पुर खर वरु शोभा अधिकाई। करे बनाव संजे बान नाना, चले लेन सादर अगवाना।
बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात को लेने चले। तो हर से सोर से नारी हरे देखे अति भय सोगारी सेवे समाज जब देखन लागे बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। तो धार धीर जो तहां रहे सयाने बालक सब ले जीव पुराने गए भवान पूछे पे तो माता कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहे काहे नहीं जाए न वाता जम कर धार के दोवरे आता वरु बोरा बसाएं असवारा ब्याल कपाल विभूषण सारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बरात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत विषात जोग निर्विकट मुख रजनी चरा। तो जो जेत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखे सो उमा विवाह घर घर बात असिलर कन कही। तो दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बरात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। तो समोझे महेश समाज सब जनन जनक मुस्काए रामा जनन जनक मुस्काए बाल सुजाए विविध विदे निडर डरुनाए सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। महेश और शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तो ले अगवान बरात ही आए दिए सब हैं जनवास सुहाए मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहिं नारी। तो अगवान लोग बरात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोए वर पानी
पर छन चली हर है हर जानी विकट वे सरोद्र है जब देखा अवलन और भय भय विदेजा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। तो भाग भवन पेठी अति त्रासा गए महेश जहां जनवासा मैना हृदय भयऊ दुख बारी लीनी बोले गिरीश कुमारी। तो बहुत ही डर के मारे भाग कर हुए घर में घुस गई और शिव जी जहां जन्मासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। तो अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरिवारी जेहि विधि तो महे रूप असुदीना तेह जड़ बरवाओ कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया। तो कस की नर वो राह तुम्हे सुंदरता नहीं जो पलो चाहे असुर तरुह सोबर वस बबू रह ला गई तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलन रेमो परो घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। तो जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें कैसे पहाड़ से गिर पड़ूंगी, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद के मर जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए पर जीते जी में इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिखें। बोलो जय सियाराम।